इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस बंदे ने। क्यों, मैंने क्या किया है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। ये फर्स्ट डे का सेकंड व्लॉग है जो कि हमने, एक बहुत लंबा हो गया था ठीक है, तो मैंने कहा इसे दो टुकड़ों में तकसीम कर दें। माशाल्लाह से इस वक्त हम जा रहे हैं जी अबू के घर ईद करने के लिए। पहले ससुराल वालों के साथ की, अब अबू की को ईद मिलने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ जाके भी आपको अबू से भी मिलवाते हैं, बाकी सबसे भी मिलवाते हैं ठीक है जी। आप लोगों को मेरा पहला वाला व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा, सेकंड कैसा लगा ये भी बताइएगा ठीक है, कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना। माशाल्लाह आप लोगों ने पोस्ट पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, बहुत खुशी हुई हम लोगों को पढ़ के, और बहुत लोगों ने दुआएं भी दी कि अल्लाह आपको नज़र से आपकी फैमिली को बचाए। बस इसी तरह दुआएं करते रहें, दुआओं में हमें याद रखें। काशिफ साहब सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोला करें काशिफ साहब का लाउड स्पीकर थोड़ा है, वैसे मेरे ऊपर बहुत ऊंचा होता है, मेरे ऊपर बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, लेकिन जब मोबाइल के सामने आते हैं ना हानिया की तरह बहुत कम बोलते हैं, सिर्फ मेरा मोबाइल के सामने लाउड स्पीकर ज्यादा होता है। तो चलें जी इंशाल्लाह वहां चलते हैं, अबू से भी मिलवाते हैं आपको और फिर व्लॉग वहां पे कंटिन्यू करते हैं ठीक है जी। माशाल्लाह बारिश शुरू हो गई है, इतना जबरदस्त मौसम है, VIP बन गया है देखें जी इस्लामाबाद, बहुत ब्यूटीफुल हो गया। दिन में जितनी गर्मी थी है काशिफ साहब उतनी ही अब इस वक्त ठंडा मौसम हो गया ना। हम लोग गए थे कब्रिस्तान तो बहुत ज्यादा ठंड थी, गर्मी थी, बच्चे पे हाल हो रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह बादल चेक करें आप, काले काले आ गए। तो जी हम अब्बू के घर आ गए, गाड़ी वाला सामने आ गया, और टाइम हो रहा है जी 6 शाम के 6 बज रहे हैं। ठीक ठाक सुनाओ, खैरियत से? दोनों ब्लॉगर इकट्ठे हो गए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आओ जी आओ जी, आए जी ब्लॉगर मैडम। ना मैं शर्मिंदा करो, हम तुम्हारी वही बहन है। अरे नहीं, अब हमको नहीं लगता कि तुम हमारी वही बहन हो, वही पुराना वाला, अब हमको यही लगता है कि तुम हमारी ब्लॉगर बहन हो बस। अस्सलाम वालेकुम, पैरों बारे क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, पैरों बारे ईद मुबारक, क्या हाल है? चुन्नू मेलो चुन्नू, चुन्नू की नींद छोटा सा, छोटा सा मुन्नू मुन्नू, इसकी नींद ही पूरा नहीं होगी व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, मेरी हाल है, खैर मुबारक आपको, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कौन है तू? है? हम तो अपने बच्चों से मिल रहे थे, कौन है? कुछ हुआ? लो जी मेरा बाप बेटी को बोले बाबू, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सब समझेंगे कि ये मजाक, सच समझेंगे, बेटी है। बता दो मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे अब्बू इसी तरह मजाक करते हैं, सच ना समझ जाना फिर कमेंट आने लग जाएंगे कि तुम्हारे तो अब्बू ही तुम्हें नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लाइन में सारे खड़े हो, पहले आप एक काम करो ना, आप मुझे चेंज दो, चेंज आप मुझे उसने उदा ने सारी स्टोरी सुनाई हुई है पहले से। नहीं मैं चेंज आपसे लूंगा ना, चेंज करके फिर बराबर से बांटूंगा। नहीं नहीं हां हां मेरी पे राजी है, अब चेंज ना करें। हां अच्छा चलो, चेंज वाला काम ना करें, दे देते यार, फिर ये सारा मेरे से काम ले जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, कोई मेरे पास भी तो बचने चाहिए कुछ 100-200 रुपए, कोई के बंदा बिस्किट शिस्किट केक शेक खा लेता होता है ना, को 50,000 बचना चाहिए ना। अभी दिलाऊंगी ना, 10 रुपए क्या दिलाऊं? बिस्किट दिला देगी ना वो, बिस्किट दिला दोगी ना? अच्छा मैं तो तहजीब का पिज्जा खाऊंगा। अब आप वो वाला हिसाब ना करो ना, देख के लेने वाला 500 दे के पिज्जा खाऊंगा इनसे, 500 रुपए दे के और पिज्जा खाऊंगा लाल ज्यादा। यही तो बात है ना, ऐसी होती है ना, ये आपकी भी
ये मेहरमा की रैन भागी इधर आओ रैन उधर ना मेरी बात सुन दिखा के दे रहा हूँ इतना चल रख ले ये बोले पापे को भी मैं देता हूँ दोनों पापे का नोट मैं जो है ना स्पेशल वाला निकाल लूंगा शुक्रिया ये हां हां 2000 हो गए मेरे और ये हमारे चुवा जी और खाला ने तो बहुत रहने दो इसको रहने दो ये पुन्नू के पुन्नू ने भी हाथ में पकड़ लिए चुन्नू पुन्नू ने ओ जी नाना भी आ गए पूरी इधर आओ ये वो तो खाली कर दिया तुम लोगों ने उसको इतने ज्यादा पकड़ा दी ये लो तीन ब्लैक वाले और पानी आगे सटो वाह जी वाह जी वाह ईदियां ईदियां हमें खाली हो गए बच्चों की जेबें भर गई चार हो गए ना फोर हो गए नहीं ठीक है ना मैंने भी इसी तरह दिए थे बड़े बड़े छोटे के हिसाब से ये तेरे वाला ये लेटा हुआ है छोटा उसको भी देनी है पुन्नू उसको ढाई देते हैं उसको ढाई अरे इसको तो पूरा बड़ा वाला नोट दो ना ये तो पुन्नू नुन्नू पुन्नू नुन्नू ये आपके पैसे हैं ठीक है तीन साढ़े तीन वाह मजे जाओ बाबा को के पास चली जाओ भाग जाओ क्या बात है किसी को नहीं देना किसी को नहीं देना एक नोट भी नहीं देना आपने ना 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 बच्ची की है रैन बाहर नहीं जाना इस टाइम ये अभी लिए हैं इसकी मोटे मोटे हैं ये इसकी नाना नानी ने ले अच्छा ईद का हाँ, गर्मियों का चलो जब कहीं जाओ तब पिनाना अभी ना पिनाओ भी सही है इजी है ना वो के आप देख सकते हो बस अब हमारा काम ये पैंपर दूध डब्बे फीडर अपने बैग में ना मजे चखो अब शुक्र है हमारे बड़े हो गए हैं काशी हमने भी ये सब कुछ किया है बहुत जो ना खाए वो भी पछता है हाँ जी ये तो है अभी सबर करो ये एक लड्डू था अजान होगी है रोजा खोल लो भाई अजान होगी है खोल दिया खोल है ना ये चाय के साथ सायरन तो बजा नहीं आज ये अब दूसरा रोजा है ना ये सायरन के बगैर खोलना होता वैसे आज ऐसे ही लग रहा था सारा दिन के रोजा है पानी पीते वक्त भी ख्याल आ रहा था वो दे रहे अजवाइन वाला पानी दे रहे ना तो पानी थोड़ा मैंने पिया थोड़ा सा बीच में रह गया तो पी लिया रोजे में मैं पी गया लो जी इस तरह मैंने भी एक दफा किया था शरबत बना रही थी तो शरबत एक चम्मच चख लिया था और फिर दही लेके आया हूँ दही लेके आया हूँ लस्सी बना रहा था तो वो लस्सी में मैं यूं शापर से दही डाल रहा था ना तो अक्सर वो एंड वाला जो रहता है साफ कर लेता था मुझे नहीं पता था तो आप रोजा था मैं दही तूने सारा चूस लिया वो एंड पे जो रह गया मैंने एकदम यूं मुंह में डाल दिया मुंह में जब डाल दिया फिर याद आया रोजा दोबारा सूख गया मैंने मजे की बात और तो जो आज एक कल हमारे तो थोड़े शुगर क्या चलो जी सिद्रा के हस्बैंड जा रहे हैं सिद्रा को छोड़ के सिद्रा के आंखों में आंसू आ रहे हैं सिद्रा रो ऐसा कुछ नहीं है नहीं इस पे वो मीम डालना है झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है झूठ रही है मिट्टू
मिठू है हुरैन को देखें जी नहीं मारता नहीं है अच्छा इसकी यही तो सबसे बड़ी बात है वो चेक करे क्या करे क्या कर रहे हो भाई हैं बचपन की यादें बचपन की यादें हैं आज छोटी वाली भी लुकाट तोड़ रही है अच्छा जी लुकाट पक गए हैं पीले हो गए हैं पीले हो गए अच्छा कच्चे कच्चे नहीं तोड़ना अच्छा पीले पीले बस तोड़ना और ये मेरे अबू का घर है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत छोटा सा घर है लेकिन बहुत अच्छा प्यारा ग्रीन ग्रीन फूल मैं आपको दिखाऊं फूल कितने खूबसूरत माशाल्लाह से लगे हैं देखें माशाल्लाह गुलाब भरा हुआ है इनके घर में वो सामने सेंटोरस है मेरे अबू के घर के बिल्कुल सामने सेंटोरस ऐसे समझ लें ब्लू एरिया के बिल्कुल सामने ही है पुरैन आपने जूते भी नहीं पहने हुए तो जी अभी सुबह हो चुकी है और सुबह रात को मैंने व्लॉग आधा बनाया था उसके बाद हम बातों में खाने पीने में लग गए थे व्लॉग का टाइम ही नहीं मिला पता ही नहीं चला जब अम्मी अबू के घर बंदा जाता है बहन भाइयों के साथ गपशप वगैरह होती है तो फिर पता ही नहीं चलता टाइम का तो बहुत देर तक हम जागते रहे बातें शातें करते रहे सारे तो छोटू था भाई का जो बेबी हुआ उसके साथ बातें करते रहे तो अभी उठे हैं सारे बच्चे भी वो लोग कार्ड तोड़ने लगे हैं मैंने उनको हल्का फुल्का नाश्ता भाभी ने दिया है कि ये करो सारे उठेंगे तो इंशाल्लाह फिर कुछ अच्छा नाश्ता करेंगे और ये जो है ना बाहर लोग कार्ड तोड़ रहे हैं देखें जी चेक करें फिर इंशाल्लाह इनको तैयार करते हैं खुद तैयार होंगे इंशाल्लाह फिर दूसरे दिन की भी आपके साथ शेयरिंग करेंगे और देखिए जी सामने माशाल्लाह कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे ये देखें ये सारा ब्लू एरिया है इस्लामाबाद का ये देखें ये सेंटोरस है और वो जो है वो वाली पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है मुझे नहीं पता ये सामने भी बिल्डिंग है मतलब सारा ही ब्लू एरिया बिल्डिंगें हैं अबू और हानिया जो है ना वो गोडी मोडी कर रहे हैं क्या कर रहे हो पौधों की गोडी अच्छा ये एलोवेरा लगाया है हमने भी लगाया है गांव से लाए थे ना अच्छा ईमान के अच्छा उनकी फूफी के घर से एलोवेरा हमने भी उस दिन ला के लगाया है मेरा माशाल्लाह अब सही हो गया है बड़ा होता जा रहा है पहले पीला हो गया था ये भी लगाए हैं ना छोटे छोटे दो एलोवेरा के यहाँ ना दरख्त है ना बहुत बड़ा इस दरख्त की वजह से पत्ते बहुत गिरते हैं हानिया आप क्या कर रही हो ये देखिए जी माशाल्लाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेहंदी और ब्यूटीफुल फ्लावर्स बहुत खूबसूरत इसकी ये देखिए छोटी छोटी कलियाँ ये लोकार्ट है प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं और अभी कुछ निकल भी रहे हैं छोटे छोटे से फूल बहुत प्यारे प्यारे हैं अब नाना को ऊपर चढ़ाया है बाज नहीं आ रही है हमें लुकाट तोड़ के थे हाँ पीले वाले कह रही हूँ जो पीछे लगे नाना ये नाना वो एक मिनट जो तोड़ रहे हैं वो तो तोड़ने दो कंफ्यूज ना करो उन्हें फूल तो माशाल्लाह बहुत सारे लगाए हैं ये भी बड़ा ब्यूटीफुल सा फूल है ये व्हाइट वाले भी बहुत प्यारे लग रहे हैं ये मौसमी फूल है हैं और वो देखिए ये येलो लगे हैं यहाँ पे और दिखाती हूँ आपको बहुत ही भरा हुआ माशाल्लाह से गुलाब के फूलों से ये वाला पौधा माशाल्लाह देखे एक पौधा भी एक पत्ता भी माशाल्लाह खाली नहीं है इसको ऑरेंज रोस्ट कहते हैं ऑरेंज रोस्ट इसको जी नाना ने लोकार तोड़ दिए माशाल्लाह हुरैन भी खा रही है हुरैन आप भी खा रही हो नाना और बच्चे देखे माशाल्लाह सुबह से गार्डन में गार्डन कर रहे हैं खेल रहे हैं हानिया हुरैन सारे उसके साथ गोडी छोटी कर रहे हैं हाँ जी उठ गयो सरकार पूरी रात अजलान के साथ और भाभी भाई के साथ हम लोग बैठ के बातें कर के इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस बंदे ने क्यों मैंने क्या किया इनके घर आओ ना तो ये पूरी रात बंदे को बिठाते हैं गपशप करते हैं उनको नींद खराब करते हैं तो गपशप करने के लिए ही आता है ना इंसान इकट्ठा होता है और क्या रात को इतना बंदा देर तक बैठे और फिर खुद मुंह खोल के सो रहे होते हैं 12 बजे तक और हमें बच्चे नहीं सो रहे और हमें बच्चे सुबह सुबह उठा देते हैं मुझे तो बिल्कुल ही सुबह 8 बजे हो रहा है बैठ के बोल रही सही बात मैं भी तो सुबह 3 बार उठाऊं इसके फीडर के
फीडर बना बना के पिला के फिर सुला उठी ना हुरेन की आवाजें आई थी, मैंने देखा वो सिलावा जी कान में बैठ के। और मैं यकीन करो बहुत मजा आता है, हम जब कितने अरसे के बाद आते हैं ना, यही इंजॉयमेंट होती है कि कितने अरसे बाद बंदा इकट्ठा होता है फिर गपशप लगाते हैं। तो खैर वो जो है ना ये जो वक्त होता है ये कभी कभी आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। ये लोग बहुत ज्यादा गपशप ही हमारे साथ, बड़ी इज्जत इन्होंने हमारी माशाल्लाह की, कल भी आज भी और अभी सो के उठा 12 बजे के उठा उठा के थक गए थे। वो घर से करके आया हूँ मैं, अभी अभी किया और बिल्ली 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 मम्मी को बिल्ली ने डरा दिया। जी अच्छे लग रहे हैं आप, कहाँ से नाजिल हो गए आज है, दूर से जरा दिखाएं कपड़े। काशिफ साहब का मोबाइल रह गया था, वो लेने आए थे अभी, आ जाए ना बैठे थोड़ी देर, काम पे जा रहे हैं। अच्छा हुरैन, हुरैन क्या हुआ था, हुरैन यहाँ पे बहुत सारी हुरैन बेरीज लगी हुई है। हुरैन क्या हुआ था, हे मामी डर गई थी बिल्ली से, ओए मेरा बेटा नहीं डरता और मामी डर गई थी, है बच्चे हंस रहे हैं। आ जाओ ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। रोने लगी बाबा के साथ जाने, बाबा ड्यूटी पे जा रहे हैं ना, मेरे साथ जाने, अभी हम शायर करने जाएंगे, ड्यूटी पे जा रहे हैं बाबा, पार्क जाएंगे पार्क। मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ मेरा बच्चा, अभी हम पार्क लेके जाएंगे उरैन को, पप्पी दो जाओ मम्मा के पास, मैं फिर आगे लेके जाऊंगा आपको ठीक। ये बाप को उससे बहुत प्यार करती है बाबा से, उरैन आज मेरा बेटा क्या खाना है मेरा अच्छी ज्यादा अच्छा नहीं बोल रही नाराज हो गई है। यार किचन का उसको को किचन का दरवाजा बंद करे तो बिल्ली नहीं आएगी अंदर, अब बार बार मैं बिल्ली के लिए उठ के जाऊं। अभी हमारी ना बिल्ली से बहुत डरती है, बिल्ली की वजह से ना सबको वक्त डाला होता है, बिल्लियां सारी बदतमीज होती है, बिल्लियां सारी ही बदतमीज होती है जिन्हें डर लगता है उनके लिए। हाय सलाम अलैकुम सरकार, छोटे पा पा बशीर, वो पा शबीर साहब नहीं आ रहे, और वो काशिफ का क्या नाम रखा था, पा नजीर, वो साहब रात वापस चले गए थे, पा नजीर और ये शबीर साहब बैठे हैं, और नजीर साहब की आमद आमद ये है। और हाजी भाई सलाम दुआ कर दे, शबीर साहब बैठे हैं, बशीर साहब ने आना है अभी, हाँ उसी का कह रहे हैं, बशीर साहब ने आना है, नजीर साहब चलेंगे, हाँ नजीर साहब चलेंगे, नजीर साहब काशिफ है ना, देखते है ना प्लान करते है, करना है तो फिर वो जो एक मैडम है वो सो रही है ना, वो उठेंगी तो फिर करते हैं, करो यार फिर अगर जाना है तो ठीक है। फिर डर रही थी, बिल्ली ने चक मारा था ना उनको बचपन में, डर गई मामी बिल्ली से डर गई। चलो जी नाश्ता करो, हानिया तुमने क्या सुबह सुबह सर धो लिए, अच्छा और टिड्डी को जाते जाते भी टाइम लगता है डायना वैली पे, और दूर भी बहुत है, फिर वापसी पे रश भी बहुत बन जाता है। अच्छा। ईद के दिन है दामने को में इस टाइम पठान और ये मतलब जो लोग है ना वो लड़के सड़के तो जी अभी हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे, ईद का सेकंड ब्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, अभी तो फर्स्ट ही चल रहा था ठीक है, तो ये लास्ट है बिल्कुल, अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में घूमने जो जाएंगे ना वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ठीक है, तो इंशाल्लाह रेडी होके उसके बाद चलते हैं और फिर नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा ठीक है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।